नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एनम जीएनएम भर्ती 2018 की। जी हाँ दोस्तों, कल मैं बता दूं 24 फरवरी को शाम को माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत ने विभिन्न अधिकारियों से मीटिंग की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द भर्तियों में नियुक्ति प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, लगभग माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत ने बताया कि 18,458 भर्तियां जो पदों पर भर्तियां हैं वो कोर्ट में लंबित है। मैं बता दूं दोस्तों, अपनी जो एनएम जीएनएम भर्ती है वो भी कोर्ट में लंबित है। लगभग 55,500 पद जीएनएम और लगभग 6,500 पद जीएनएम भर्ती, ऐसे करके 12,000 पद तो यही हो जाते हैं। बाकी जो अन्य भर्तियां है उनके पद है 18,458 पदों पर भर्तियां कोर्ट में लंबित। माननीय सीएम साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महाधिवक्ता के सहयोग से इन मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ पे फेसबुक पे भी यहाँ पे पोस्ट किए हैं माननीय सीएम साहब ने, इसके अलावा ट्विटर पे भी इन्होंने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। आइए दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, अशोक जी गहलोत माननीय सीएम साहब का फेसबुक अकाउंट है। प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के अवसर देने संबंधित विभागों के साथ साथ राजस्थान आरपीएससी और बोर्ड के साथ को तत्परता से काम करना चाहिए। नियुक्तियों के लिए कई महीनों तक इंतजार करना युवाओं के साथ अन्याय। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्तियों और प्रक्रियाधीन भर्तियों पर भी की स्थिति पर भी यहाँ पे बैठक हुई, दूसरी समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने और मौजूद रिक्तियों के साथ नए विज्ञापन शीघ्र जारी करने के यहाँ पे निर्देश दिए। यहाँ पे सुझाव दिया कि आरएस भर्ती ये दोस्तों अपने कोई काम की नहीं है, यहाँ से है। विभिन्न न्यायालयों में वाद लंबित होने के कारण 18,458 पदों पर भर्तियां लंबित है। इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अधिवक्ता के सहयोग से माननीय न्यायालय से इन मामलों का जल्द निस्तारण करने का प्रयास करें, इससे इन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे माननीय सीएम साहब ने बताया कि 18,458 पदों पर भर्तियां कोर्ट में लंबित है। महाधिवक्ताओं के सहयोग से इन मामलों को जल्द से जल्द कोर्ट से निस्तारण करवाए और साथ ही जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग दी जाए। बैठक में दोस्तों अवगत करवाया कि वर्तमान सरकार ने 35,039 पदों पर नियुक्तियां जारी यहां पे की गई है, साथ ही 25,307 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। दस्तावेज और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी है। अधिकारियों को बताया कि इस प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा किया जाए। इसके अलावा पिछली बार भर्तियों की समीक्षा बैठक के बाद कनिष्ठ सहायक के 12,456 पदों का यहाँ पर परिणाम जारी हुआ। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक का 9,322 पदों पर यहाँ पर भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है। इसके अलावा 6,660 पदों पर विज्ञापन जारी होना बाकी है। साथ बैठक में मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बीएस जाटावत, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, आरपीएससी के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों, यहाँ पे माननीय सीएम साहब ने बताया कि 18,458 भर्तियां कोर्ट में लंबित है, इनको महाधिवक्ताओं के सहयोग से जल्द इनका निराकरण किया जाए और जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। सबसे बड़ी अपडेट आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों, जैसा कि इस प्रकार से आपने देखा, माननीय सीएम साहब बहुत ही लंबित भर्ती को लेकर गंभीर हैं और अधिकारियों ने यहाँ पे निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को कोर्ट से क्लियर करवा के जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान यहाँ पे की जाए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की खबर है। सीएम गहलोत ने ली अहम मीटिंग, रिक्तियों और भर्तियों की स्थिति की समीक्षा, लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के यहाँ पर निर्देश दिए। कोर्ट में वाद लंबित होने के ऐसे 18,458 पदों पर भर्तियां लंबित है। एजी के सहयोग से कोर्ट मामलों का जल्द निस्तारण कराया जाएगा। वर्तमान सरकार ने 35,000 पदों पर नियुक्तियां दी। यहाँ दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे अधिकारी को बताया कि 25,868 विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं और 6,660 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।
पिछली बार हुई भर्तियों की समीक्षा बैठक के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग में कनिष्ठ सहायक के 12,456 पदों पर तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग में के वरिष्ठ अध्यापक के 9,322 पदों पर भर्ती परिणाम जारी हुआ। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के अवसर देने के लिए संबंधित विभागों के साथ साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को तत्परता से काम करना चाहिए। नियुक्तियों के लिए कई महीनों तक इंतजार युवाओं के साथ अन्याय है, माननीय सीएम साहब ने ये कहा है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पे एक अन्य खबर है फर्स्ट इंडिया न्यूज की, जिसमें लिखा है कि सीएम गहलोत ने ली मीटिंग, रिक्तियों व भर्तियों को लेकर समीक्षा बैठक, अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने भर्तियों की तत्परता के लिए नियुक्तियों के लिए इंतजार करना युवाओं के साथ अन्याय, आरपीएससी को भी भर्ती कैलेंडर जारी करने की यहाँ पे राय दी है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया गया माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत द्वारा और उनकी समीक्षा की गई। जो कोर्ट में लंबित विवाद है उन पे एजी की सहयोग से उनको दूर करने की भी यहाँ पे चर्चा हुई और जल्द से जल्द लंबित भर्तियों पर ज्वाइनिंग की भी यहाँ पे चर्चा हुई।